गाइस वेलकम बैक टू मई यूट्यूब चैनल गुलीनाज जो आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइब अ पर्सन यू वुड लाइक टू स्टडी और वर्क विद हमारे क्यूज हैं आज के हु इज़ दैट पर्सन व्हाई वुड यू लाइक टू स्टडी विद हिम हर एंड व्हाट विल यू स्टडी जो वकेबलरी हम आज के क्यू कार्ड में यूज करने वाले हैं वो ये रही फर्स्ट है इक्विकेटेड मतलब इंटेलिजेंट सेकेंड है कोऑपरेटिव जो अच्छे से एक दूसरे के साथ तालमेल बना लेता हो मतलब एडजस्ट कर लेता हो थर्ड है रिनाउंड मतलब फेमस फोर्थ है हैंडसम रेवोल्यूशन मतलब अच्छी सैलरी कमाना फिफ्थ है डोमेन मतलब आपके काम करने का तरीका सिक्स्थ है डेफरनेशियल मतलब पोलाइट सेवंथ है चोरॉटिक शेड्यूल मतलब बिजी शेड्यूल एट्थ है इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मतलब नाइन्थ है एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना है हमारा आज का आई हैव मैनी इन माई लाइफ विद होम आई लव टू स्टडी और वर्क मेनली विद द पर्सन हु आर कॉपरेटिव एंड क्विकवेटेड मेरी जिंदगी में काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करना और पढ़ना पसंद है पर उन्ही के साथ जो कि अच्छी तरह से कॉपरेट कर लेते हों और इंटेलिजेंट हों अपार्ट फ्रॉम दिस दे शुड हैव अ डेडिकेशन फॉर द वर्क साथ ही साथ उनको अपने काम के लिए ले काम को लेकर सीरियस भी होना चाहिए हेयर आई आई वुड लाइक टू टू सम लाइट ऑन अ पर्सन विद लव स्टडी पर मैं अपने एक बंदे के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके साथ मुझे स्टडी करना पसंद है वेल शी इज माई मदर वो और कोई नहीं मेरी मम्मी है शी इज अ अनाउंड टीचर इन अ कॉलेज वो एक बहुत ही फेमस टीचर है अपने कॉलेज में शी टीस मैथ एंड साइंस एंड अर्निंग हैंडसम रेवल्यूशन वो मैथ और साइंस पढ़ाती हैं और एक अच्छी सैलरी कमाती हैं सो आई कैन सी हर टीचिंग डोमेन इज़ हर ब्रेड एंड बटर सो मैं कह सकती हूँ कि उनका जो टीचिंग है टीचिंग का जो काम है वो उनका मतलब रोजगार का तरीका है या फिर एक रोज़गार का साधन है आई एम really इंप्रेस्ड विद हर बिकॉज आई ऑल्सो want टू बिकम अ टीचर मैं उनसे बहुत इंप्रेस्ड हूँ क्योंकि मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ आ टीचर शुड भी कॉपरेटिव स्मार्ट एंड डेफरशियल मुझे लगता है कि एक टीचर को cooperative होना चाहिए स्मार्ट होना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए my mother मदर all दी स्किल्स एंड आई want टू लर्न दी स्किल्स from my मदर मेरी मम्मी के पास ये सारे गुण हैं और ये गुण मैं भी अपनी मम्मी से सीखना चाहती हूँ वंस अ टाइम माय टीचर गे मी एन असाइनमेंट विच वाज रिलेटेड टू साइंस विच आई हैड टू कंप्लीट इन थ्री डेज एक बार मेरे टीचर ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जो कि साइंस के रिलेटेड था और मुझे वो तीन दिन में पूरा करना था अनफॉर्चुनेटली आई गॉट चेक एंड आई वॉज़ इनेबल टू कम्प्लीट इट अचानक ही मैं बीमार हो गई और मैं ये कम्प्लीट नहीं कर सकती थी बट एट दैट टाइम माई मदर हेल्प मी पर ये इस समय पर मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प की थी शी गेव मी टाइम फॉर फ्रॉम हर शेरवटिंग शेड्यूल एंड असिस्ट मी टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से मुझे टाइम दिया और मेरा प्रोजेक्ट करने में मुझे मदद की आई took leave फ्रॉम माई स्कूल फॉर थ्री डेज मैंने अपने स्कूल से तीन दिन की छुट्टियाँ ले ली माई मदर डिजाइन द होल concept ऑफ द प्रोजेक्ट मेरी मम्मी ने जो सारा प्रोजेक्ट था उसका डिजाइन उसको तैयार किया इट वॉज रिलेटेड टू द ट्रैफिक जैम इन city. ये सिटी मतलब शहर में होने, होने वाले ट्रैफिक जाम से रिलेटेड था फर्स्टली शे मेड द बिल्डिंग्स विद द हेल्प ऑफ थर्मोकोल एंड आई डिड द कलरिंग वर्क मेरे पहले मेरी मम्मी ने जो बिल्डिंग्स वगैरह थी शहर की उनको थर्मोकोल की मदद से बनाया और मैंने उनको रंग करने का काम किया बिकॉज़ आई एम गुड इन इट क्योंकि मैं इनमें अच्छा हूँ ही ऑल्सो टॉट मी मैनी थिंग्स वाई मेकिंग द प्रोजेक्ट लाइक हाउ टू गलीव द थर्मोकोल हाउ टू मेजर द थिंग्स एंड ऑल्सो सम साइंस ट्रिक्स उन्होंने मुझे ये बनाते हुए काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जैसे कि कैसे कि हम थर्मोकोल को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं कैसे हमें उनको मापना होता है और, क्या, और भी अलग जाओ, और इसे छोड़ कर काफ़ी साइंस की ट्रिक्स बताई उन्होंने मुझे वही मेड दिस विद इन टू डेज हम दोनों ने ये दो दिनों में बना लिया इट वॉज़ वेरी इलेक्टिफाइंग एक्सपीरियंस ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज एज रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी हैड अ ग्रेट टाइम टूगैदर क्योंकि इसकी वजह से हम दोनों ने एक अच्छा समा साथ में बिताया विच वई डो नॉट गेट यूजली जो कि हमें आम तौर पर नहीं मिलता है वेन आई रिप्रेजेंटेड दिस टू माई क्लास टीचर ही अप्रिशिएटेड मी अलॉट एंड आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन एट दैट टाइम जब मैंने ये अपने टीचर को दिखाया तो उन्होंने बहुत प्रशंसा कि मेरी और इस समय मैं बहुत ज़्यादा खुश था to cut the long story short, I would like to do more project like this with my mother. मैं ऐसे और भी project अपनी मम्मी के साथ बिताना चा बनाना चाहती हूँ because I love spending time with her. क्योंकि मुझे उनके साथ समय बिता बिताना पसंद है She is the person with whom I love to study or work. So ये वो बंदा है जिसके साथ मुझे पढ़ना पसंद है तो ये था हमारा क्यू कार्ड आज का अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऑल्सो शेयर माई चैनल सो दैट आई कैन एक्सप्लोर मोर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय।